आईटी इन हिंदी चैनल। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे जावा के फीचर्स। तो सबसे पहला है जावा के फीचर्स में सिंपल। जावा सिंपल है। तो जावा सिंपल क्यों है? क्योंकि जावा का जो सिंटेक्स है यूज़र फ्रेंडली है, मतलब इजी हम लोग लर्न कर सकते हैं। और उसका सिंटेक्स क्या बहुत ही सिंपल है, उसको इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसका क्या एक और रीज़न ये है कि जावा प्रोवाइड करता है इनबिल्ट फंक्शनैलिटी, डैट्स वाई जावा इज़ वेरी सिंपल। और सेकेंड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि वो ओप्स कंसेप्ट को यूज़ करता है। अब ओप्स कंसेप्ट क्या होता है? वो एक मेथड होता है जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं, वो सिंपल करता है, सम रूल्स मतलब प्रोवाइड करता है। उसको रूल को फॉलो करके हम लोग सॉफ्टवेयर को ईजिली डेवलप कर सकते हैं, सिंपल वे में डेवलप कर सकते हैं, और उसको मेंटेनेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जावा बहुत सारे मतलब ओप्स फीचर्स इनहेरिट करता है, मतलब यूज़ करता है, जैसे एब्स्ट्रैक्शन हुआ, इनकैप्सुलेशन हुआ, इनहेरिटेंस हुआ एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मतलब कस्टमर को अननेसेसरी जो डिटेल्स रहता है वो नहीं शो करते, ओनली नेसेसरी डिटेल्स शो करते हैं। मतलब हम लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई भी मतलब वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो हम लोग को ऊपर का सिर्फ दिखता है लॉगिन, मतलब नेम इनपुट करना, ईमेल इनपुट करना, ये मतलब फिर साइन अप करना, लेकिन हम लोग को अंदर का प्रोसेस नहीं पता कर चलता है कि कैसे वो कोड रन हो रहा है अंदर का। ओनली हम लोग को ऊपर का दिखता है, ऊपर का साइन अप पेज दिखता है, अंदर का कोड नहीं दिखता है। तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यही होता है कि कस्टमर को हम लोग को सिर्फ मतलब ऊपर के चीज़ दिखाना, मतलब जो ज़रूरत वाली चीज़ है वही दिखाना, अंदर के कोड वोड नहीं शो करना। अभी ये भी एक और एग्जांपल ले लीजिए, एसएमएस। हम लोग कोई भी एसएमएस किसी को भेजते हैं या फिर व्हाट्सअप का ही देख लीजिए, मैसेज करते हैं तो सामने वाले को मैसेज पहुंच जाता है, बस हम लोग को यही पता रहता है। अंदर वो कैसे जाता है, कौन से प्रोसेस होके जाता है, कैसे फॉरवर्ड होता है, वो हम लोग को तो नहीं पता रहता। तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यही होता है कि हम लोग को जो नेसेसरी डिटेल्स रहता है वो शो करता है, और अननेसेसरी मतलब जो अननेसेसरी डिटेल्स रहेगा मतलब कोडिंग वोडिंग जो रहता है वो हम लोग को शो नहीं करता है, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और सेकंड क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन से आप लोगों को पता चला होगा कि वो जो कैप्सूल टाइप रहता है, मतलब उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा, मतलब जो हम लोग कैप्सूल के अंदर मेडिसिन यूज होता है उसको सपोज हम लोग डेटा समझ सकते हैं, तो उसको क्या एक ही चीज़ में बाइंड किया गया है, तो इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो कैप्सुलेशन मतलब एक प्रोसेस रहता है जिसमें बहुत सारे डेटा को बाइंड किया जाता है और वो सिक्योर रहता है, मतलब ऊपर से आप लोग कैप्सूल को डायरेक्टली नहीं ओपन कर सकते ना, वो पूरा पैक रहता है अंदर बहुत सारे डेटा को, मतलब बहुत सारे मेडिसिन को, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन को लेके एक बाइंड किया रहता है, तो इसी को हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एक ही यूनिट में बाइंड करते हैं और जो सिक्योर रहता है, बट उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक इन्वायरमेंट में। और हमारा थर्ड क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म्स। तो ये क्या है, एक कंसेप्ट है, मतलब जिसमें क्या रहता है कि ऑब्जेक्ट को एक पावर दिया जाता है, एक एबिलिटी रहता है ऑब्जेक्ट को, तो वो मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर सकता है, मतलब एक टाइम पे जो हमारा एक्शन रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में वो एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। मतलब एक सपोज मैन है, तो मैन एट अ टाइम मतलब एक टाइम में वो किसी के फादर हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, और किसी के वर्कर हो सकते हैं, तो वो अपने मतलब वाइफ से अलग टाइप से बात करेंगे, मतलब अलग टाइप का एक्शन परफॉर्म करेंगे, और अपने चाइल्ड से बच्चों से अलग टाइप से बात करेंगे, मतलब एक ही चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट वेज में परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बात भी करना रहेगा तो दोनों लोग से अलग अलग तरीके से बात करेंगे, और अपने बॉस से भी अलग तरीके से बात करेंगे, तो एक ही एक्शन को वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही एक्शन को डिफरेंट डिफरेंट वेज में परफॉर्म करना, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब हमारा क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब वो भी एक मैकेनिज्म है जिसमें हमारा जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स क्लास, उसको इनहेरिट कर लेता है चाइल्ड क्लास, मतलब जो चाइल्ड रहता है वो पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को ले सकता है, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। सपोज हम लोग का इसका एग्जांपल ये है, हम लोग के जो वेब आते हैं, सॉफ्टवेयर जो आते हैं ये, या फिर हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं जावा के वर्जन, जो पहले वाले वर्जन थे अब न्यू वाले वर्जन, या फिर HTML ही देख लेते हैं, HTML जो हमारा है अब HTML5। तो HTML में जो बहुत सारे फीचर्स थे वो HTML5 में भी है, मतलब उसने इनहेरिट किया है HTML के बहुत सारे फीचर्स को और एक्स्ट्रा ऐड भी किया है उसके अंदर,
लेकिन पुराने फीचर्स को उसने यूज़ किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब जो पुराने फीचर्स रहेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे, एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिट करना, मतलब लेना, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा इसमें फीचर्स में आता है थर्ड क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब हम लोग जो बाइट कोड रहता है उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं। जो जावा के बाइट कोड होते हैं, मतलब विंडोज़ टू लिनक्स में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फोर्थ क्या है, पोर्टेबल। तो पोर्टेबल जावा इसलिए है क्योंकि जो हमारा जो बाइट कोड रहता है उसको हम लोग कैरी कर सकते हैं वन मशीन टू अनदर मशीन में। मतलब हम लोग सपोज़ दूसरे एक विंडोज़ में कर रहे हैं तो उसके कोड को हम लोग ले सकते हैं किसी में, पेन ड्राइव में या किसी में भी, तो हम लोग वो दूसरी जगह मतलब दूसरे मशीन में उसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारा फिफ्थ क्या है, सिक्योर। तो सिक्योर इसलिए है, जावा मतलब कोई भी पॉइंटर यूज़ नहीं करता है। जैसे हम लोग C++ में पॉइंटर देखते थे, तो मेमोरी में मतलब कोई मेमोरी में जाना है, मेमोरी लोकेशन आप लोग देखते होंगे, जो जब डेटा स्टोर होता है तो सबका अलग अलग मेमोरी लोकेशन होता है। तो सपोज़ हमारे पास 100 मेमोरी लोकेशन है, तो एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया जाता है, तो एड्रेस मतलब थोड़े बड़े भी होते हैं तो उसको मतलब पॉइंट करना हार्ड भी पड़ता है। अगर एक भी नंबर इधर उधर हो गया तो ज़्यादा चांस रहता है मतलब डेटा को लीक होने का, तो जावा वो यूज़ नहीं करता है जो पॉइंटर। तो डेट्स वाई जावा सिक्योर रहता है। और जो बाइट कोड रहता है ना, तो उसकी हेल्प से हम लोग जावा को और सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि बाइट कोड मतलब पब्लिक अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, वो अलग टाइप से शो होता है, उसको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको ओनली मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है, तो मतलब उसका मिसयूज़ नहीं हो सकता है। इसीलिए जावा मोर सिक्योर है, जावा ज़्यादा सिक्योर है उसके बाइट कोड की वजह से। अब रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स सिंपली मीन्स उसका तो स्ट्रॉन्ग। तो जावा इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स मतलब प्रोवाइड करता है, जो स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स प्रोवाइड करता है। और स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जावा पॉइंटर नहीं यूज़ करता, वो खुद एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। हमारा सेवन्थ क्या है, मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड की हेल्प से हम लोग एक टास्क को मल्टीपल टास्क में परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक प्रोग्राम है उसको हम लोग मैनी टास्क में उसको डिवाइड करके परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम लोग का टाइम भी सेव हो जाएगा। अगर सपोज़ हम लोग को एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एट अ टाइम सब कुछ रन कर सकते हैं। या फिर पहले क्या होता था, मल्टी थ्रेडेड नहीं रहेगा तो एक टास्क को कंप्लीट होने के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर दूसरा टास्क करना पड़ेगा। लेकिन जावा प्रोवाइड करता है मल्टी थ्रेडेड, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टास्क हम लोग कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या वर्कलोड भी कम हो जाता है और हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम वो भी कम हो जाता है, तो हमारा जल्दी फास्ट हो जाता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है फास्ट रन हो जाता है। और एट क्या है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल मतलब वो हर जो डेटा टाइप रहेगा, मतलब सपोज हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 32 बाइट्स का है, विंडोज़ 32 बाइट्स का है या 64 बाइट्स का है, तो दोनों के लिए जो डेटाबेस रहेगा सेम स्पेस प्रोवाइड करेगा। आप लोग देखते होंगे कि जो C++ में था तो वो 32 बिट्स के लिए जो हमारा डेटा टाइप रहता था, जो इंट डेटा टाइप है, अगर 32 बिट्स है तो उसके लिए 2 बाइट्स यूज़ करता था। अगर 64 बिट का आर्किटेक्चर है तो उसके 4 बाइट्स यूज़ करता था। लेकिन जावा में क्या रहेगा, 4 बाइट्स दोनों के लिए मेमोरी यूज़ होगा, चाहे वो 32 बिट्स का हो चाहे वो 64 बिट्स का हो। मतलब इसमें क्या, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। इसने फिक्स जो डेटा टाइप कर दिया है, जो मेमोरी कर दिया है डेटा के लिए, वो फिक्स रहेगा, चाहे वो 32 बिट्स का हमारा हो चाहे 64 बिट्स का लैपटॉप हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, उसने जो फिक्स कर दिया वो फिक्स रहेगा। अब नाइन्थ क्या है, इंटरप्रेटेड। अब इंटरप्रेटेड मतलब होता है कि जो हमारा जावा का इंटरप्रेटर रहता है वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड को, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब मशीन को अंडरस्टैंड करने का जो लैंग्वेज रहता है उसको कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटेड। मतलब इंटरप्रेटेड के हेल्प से बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है सबका अलग अलग रहता है, विंडोज़ का अलग, लिनक्स का अलग, तो जो बाइट कोड रहता है, बाइट कोड तो सबके लिए सेम होता है, जो क्लास फाइल रहता है हमारा वो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन क्या हम लोग इंटरप्रेटेड के हेल्प से उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं
और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरप्रेटर की हेल्प से। मतलब बाइट कोड कन्वर्ट होता है उसके हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। मतलब वो विंडोज़ में अगर बाइट कोड यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ को समझने वाली लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है। अगर लिनक्स में यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स में कन्वर्ट, मतलब लिनक्स को समझने वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब टेंथ क्या है, हाई परफॉर्मेंस। जावा हाई परफॉर्मेंस है इसलिए क्योंकि उसमें हम लोग GIT यूज़ करते हैं, जस्ट इन टाइम। मतलब उसके हेल्प से, मतलब GIT कंपाइलर की हेल्प से हम लोग परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हैं, बिकॉज जब हम लोग को ज़रूरत रहेगा तभी बाइट कोड वो रन होगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाइट कोड रन होता है, मतलब अगर हम लोग को ज़रूरत नहीं है तो बाइट कोड रन नहीं होगा। तो इसकी वजह से वो उसका परफॉर्मेंस क्या, स्पीड हो जाता है, मतलब परफॉर्मेंस तेज़ हो जाता है जावा का। हमारा 11th क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जावा प्रोवाइड करता है, मतलब क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। मतलब हम लोग इंटरनेट पे अगर कोई भी एप्लीकेशन मतलब पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट पे, और उसको हम लोग कोई और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उसको हम लोग ऑनलाइन मतलब पब्लिश कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को, और ऑनलाइन उसको मतलब इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। सपोज़ हम लोग ने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है इंटरनेट पे, मतलब सर्वर पे उसको पब्लिश कर दिया है, तो वो कोई और कंट्री से भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए जावा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है जो हमारा है इंटरनेट पे एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब कोई भी उसको यूज़ कर सकता है अगर हम लोग परमिशन देंगे तो। और हमारा 12th का है डायनेमिक। डायनेमिक मंस ये होता है कि हम लोग जो हमारा रन टाइम पे होता है हम लोग उसको चेंजेस कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को रन कर रहे हैं कोई भी प्रोग्राम, सपोज हम लोग साइनअप पेज बनाए हैं, तो लास्ट मोमेंट पे भी हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब रन करने के टाइम हम लोग को अगर कुछ और चेंजेस करना है, ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। डायनेमिक रहता है मतलब चेंजेबल रहता है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।